गाइस आई एम जाफर कॉलेज वाला और आप देख रहे हैं इनिंग्स ऑफ द डे। तो भैया इनिंग्स ऑफ द डे वापस से भाई आ गए जो कि एक दिन पहले थे, यानी कि जो रूट ने लगा दी अपने करियर की 34वीं सेंचुरी, बना दिए 103 रन, खेली सिर्फ 120 बॉल और इस बार फिर से श्रीलंकन बॉलर्स को आड़े हाथों ले लिया। भाई साहब ये जो रूट गजब ही प्राणी है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स वो बना चुके हैं। इंग्लैंड के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर बनने से सिर्फ 100 रन दूर है। उसके बाद में जी बात की जाए तो 7 सेंचुरीज, लॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं, यानी कि ऑनर्स बोर्ड पे सबसे ज़्यादा नाम आपको जो रूट का ही दिखेगा। और सिर्फ बैटिंग तो बैटिंग, फील्डिंग में भी भाई कुछ कम नहीं है। 200 कैचेस पकड़ चुके हैं और अब सिर्फ 10 कैचेस पीछे हैं राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड से। 210 कैच पकड़े थे इंडिया के स्टॉलबर्ड ने और अब उसको तोड़ने की कगार पर पहुंच चुके हैं जो रूट। बाकी भैया दिन की बात करते हैं तो दिन तो ऐसा ही था कि बस इंग्लैंड ही था चारों तरफ, और इंग्लैंड भी क्या था, रूट ही था चारों तरफ, क्योंकि 245 में से 100 रन तो अकेले रूट के ही थे। अब देखिए जो रूट ने किया क्या, देखिए बॉस वो आए, उन्होंने पहले टाइम लिया अपना जैसा कि उन्हें करना चाहिए हमेशा, बिकॉज बेसबॉल बिल्कुल आते से ही खेलना वो जो रूट की फिलॉसफी कतई नहीं है। वो अगर थोड़ा लंबा टिक गए तो फिर वो बेसबॉल से भी ज़्यादा तेज स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ये एबिलिटी जो रूट को अब समझ में आई है और अब वो थोड़ा सा उसी हिसाब से खेल रहे हैं। पहले उन्होंने हैरी ब्रुक के साथ एक पार्टनरशिप की जिसमें एग्रेसर हैरी ब्रुक थे ऑफकोर्स, फिर उन्होंने जेमी स्मिथ के साथ एक पार्टनरशिप की जिसमें भी एग्रेसर वही थे, फिर उनके पता चला कि यार अब साथ में एटकिंसन, पोर्ट्स और वोक्स ये लोग आ गए तो अब इनको तो एग्रेसर बना नहीं सकता, तो उन्होंने फिर अपने गियर चेंज किए। सबसे पहले एक बेहतरीन चौके के साथ प्रभात जयसूर्या की बॉल पर अपनी 50 पूरी की, उसके बाद में फिर 3 चौके लगातार प्रभात जयसूर्या को मारे जिसमें से 2 थे शानदार लॉन्ग ऑन के ऊपर बैक टू बैक, और फिर एक बेहतरीन वाला जो रूट स्पेशल रिवर्स स्वीप शॉट। आज रिवर्स लैप शॉट दिखा नहीं, शायद बच्चा सीख गया है अपनी गलतियों से, इसलिए रिवर्स लैप शॉट खेलने की गलती आजकल कर नहीं रहा है। बेहतरीन बीच बीच में कुछ शानदार मैक्सिमम भी लगाए उन्होंने और श्रीलंकन बॉलर्स के ऊपर जितनी चाहे उतनी मिजोरी बटोरी। देखो भैया सीरीज शुरू होने से पहले एक शॉट बना के मैंने बोला था कि यार जो रूट सिर्फ 403 रन अवे हैं एलिस्टर कुक के ऑल टाइम इंग्लिश रन स्कोरिंग रिकॉर्ड से, और ऐसा लग रहा है कि यार अब वो तो ज़्यादा लंबी बात है नहीं, अगले मैच में भी अगर इसी टाइप से श्रीलंका खेलती रही तो क्या पता अगले मैच में वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। अभी इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर वो बन गए हैं और पीछे किसको छोड़ा है, ऑफकोर्स एलिस्टर कुक। तो भाई साहब ये था जो रूट का रिकॉर्ड, लेकिन श्रीलंका के लिए 480-90 रन का जितना बड़ा टारगेट वो चेस कर रहे थे वो चेस करना कतई आसान नहीं था, बिकॉज उन्होंने क्या क्या खो दिया है। उन्होंने उसको चेस करते हुए अपने दोनों ओपनर्स खो दिए हैं और दोनों बड़े ही बस जैसे तैसे टाइम सर्वाइव करके निकल गए हैं दोनों। अब देखना पड़ेगा क्या होता है आज के दिन। वैसे कमिंदु मेंडिस की अगर माने जो श्रीलंका के लिए एकमात्र उनके ब्रेडमैन बने हुए हैं, तो उनका तो ये कहना है कि अभी भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकाल सकते हैं तो कमिंदु मेंडिस ही आपको बेहतर बता सकते हैं, उनसे पूछिए, मेरे पास तो इस बात का जवाब है नहीं। मेरे हिसाब से गेम आज पहले सेशन में नहीं तो दूसरे सेशन में ख़त्म हो जाएगा। श्रीलंकन बॉलिंग के पास, श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप के पास कोई जवाब नहीं है इस इंग्लिश अटैक का, और जो रूट का स्पेशल टेस्ट इंग्लैंड को ये मैच जिताने वाला है, और इसी मैच के साथ इंग्लैंड जीतेगी तो फिर वो WTC चैंपियनशिप के अंदर भी काफ़ी ऊपर आ जाएगी, और ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर होगी क्योंकि दोनों ये सोच के बैठे थे कि हमें ही लॉर्ड्स के अंदर फाइनल खेलना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक तीसरी टीम भी टक्कर देने आ सकती है जो कि होगी इंग्लैंड। बाकी आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कीजिए इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई अपडेट मिस ना कर पाएं। धन्यवाद।